पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दिन ऑडियो बम फूटा, बीजेपी और टीएमसी में ऑडियो वॉर छिड़ा। पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कथित ऑडियो टेप जारी किया। दावा किया कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ता से चुनाव में मदद मांगी, लेकिन बीजेपी के इस दावे के कुछ घंटे बाद टीएमसी सामने आई और बीजेपी नेता मुकुल रॉय का एक कथित ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि इस बातचीत में मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें, ऑडियो जारी कर टीएमसी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास बीजेपी ने अपना प्रतिनिधि भेजा और इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने उन नियमों को बदल दिया जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ये निर्णय अन्य दलों से बातचीत किए बिना लिया गया। टीएमसी ने ऑडियो क्लिप के हवाले से कहा कि इसमें मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया बात कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑडियो टेप जारी कर दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मदद की गुहार लगा रही है और टीएमसी में लौट आने की अपील कर रही है। बीजेपी ने एक ट्वीट कर कहा कि ममता दीदी ने जिले के भाजपा उपाध्यक्ष को फोन कर मदद मांगी। वो इस बार नंदीग्राम हारने वाली है, उनका डर फोन कॉल में साफ दिख रहा है। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि बातचीत में ममता ने कबूल किया है कि नंदीग्राम में पहले हुई हिंसा के पीछे टीएमसी के लोग शामिल रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।